लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में आज विश्व तंबाकू दिवस पर लोगों ने दी अपनी राय। डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी ने भी बताया कि तंबाकू सेवन है कितना घातक, और साथ ही यादव महासभा जिलाध्यक्ष ने भी दिया जागरूकता संदेश, और सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग अंदाज में बयां की अपनी राय। फिरोजाबाद में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमारी मीडिया टीम ने सर्वे करते हुए देखा कि किस तरह लोग धुएं में अपनी जिंदगी को कम करते जा रहे हैं, तो वहीं इस बारे में लोगों की राय जानी। सबने अपने अपने अलग अंदाज में बयां की अपनी राय। तो वहीं ईएनटी सर्जन डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी ने भी लोगों को इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता संदेश दिया। इसके अलावा शहर में जगह जगह धूम्रपान करते तंबाकू खाते युवा ये बयान कर रहे हैं कि शायद उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। खैर, विश्व तंबाकू दिवस पर हमारी टीम द्वारा किया गया एक जागरूक प्रयास कि कोई भी पान बीड़ी सिगरेट का सेवन करने से पहले अपने परिवार और भविष्य के बारे में जरूर सोचे, कहीं हद तक लोगों ने काफी सराहा। क्या कहना चाहेंगे आप तंबाकू के लिए? तो जे भैया, मैंने 5.5-6 महीने हो गए मैंने तंबाकू बिल्कुल छोड़ दी। मैं सुपारी भी नहीं खाता कोई भी तरह कैसी भी, ना मीठी ना खट्टी कैसी सुपारी। लेकिन जे तंबाकू खाने वालों को अगर जी अपने आप अगर ग्वालियर हॉस्पिटल कैंसर में चले जाए या आगरा हॉस्पिटल ODP में चले जाए तो इन जे अपने आप छोड़ देंगे, कहते उनका धनाधुरी कोई नहीं है और इसका इलाज भी नहीं। पूरी दुनिया में पहले तो आदमी बर्बाद हो जाता है, फिर उसके बाद उसको इलाज के लायक नहीं रहता, वो अपने आप फिर ख़त्म हो जाता है। पहले आप कौन खाते थे? हाँ, घड़ा हो गई, इतनी घड़ा हो गई कि तंबाकू खाने वाला पास बैठ जाए तो जो लता जाए जा थूकता यार। आज तंबाकू निषेध दिवस है जी सर, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में सर क्या है, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होती है जो कि बॉडी के अंदर फ्लो करती है वो जाने के बाद में, और कई बीमारियां देती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमें ये प्रेरित करना चाहिए और जो लोग पहले से खा रहे हैं उनकी छुड़वानी चाहिए, उसको एंटी करना चाहिए कुल मिला के। और तंबाकू बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है जो कि कभी ठीक नहीं होती, जिससे कि बहुत सारे व्यक्तियों की अभी तक हमारे भारत देश में मृत्यु हो चुकी है। आजकल के युवा इस चीज़ से ज़्यादा ग्रस्त हैं जी, क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं को एक्चुअल में क्या है कि आजकल के युवा सिगरेट और तंबाकू के प्रति जागरूक नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अवधेश यादव। आज तंबाकू निषेध दिवस है जी, क्या कहना है? तम्बाकू निषेध दिवस, ये तम्बाकू एक ऐसा कीड़ा है हमारे समाज में और बच्चों में आज जो कल पनप रहा है। हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे जिनमें धूम्रपान की आदत फैलती जा रही है इससे बचें, और ये हमारे शरीर के साथ साथ ये समाज को भी ये कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है। मैं डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी हूँ, यहाँ पर ENT सर्जन हूँ फिरोजाबाद में और आगरा में, और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस पर क्या पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इसमें बस यही कहना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया में तंबाकू का सेवन बहुत आयत में होता है और इससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से इसको नहीं, लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर का, यदि भगवान ना करे किसी को कैंसर होता है तो कैंसर का रोगी खुद तो अपनी जान देता ही है लेकिन साथ में अपने परिवार को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि कैंसर की बीमारी का इलाज काफ़ी महंगा होता है और अक्सर करके ये जो धूम्रपान की आदत है ये उन लोगों में होती है जो कि इसका सेवन जो बहुत ही लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के होते हैं या मिडिल अपर ग्रुप के होते हैं, जो कि ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। तो जब इनको बीमारी होती है तो ये घर में जो जमा बची हुई जमा पूंजी होती है वो भी ख़त्म करके जाती है,